नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्स एंड फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है और गर्मियों की छुट्टियों में कौन नहीं चाहेगा कि वो बाहर छुट्टियां मनाने जाए, कहीं घूमने जाए। लेकिन हमारे जो गार्डन लवर जो है दोस्त, उनको एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी वो बाहर जाते हैं घर से छुट्टियों पर जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके प्लांटों को पानी कैसे देंगे, उनके प्लांट कैसे रह पाएंगे बगैर पानी के। तो ये एक बड़ी समस्या होती है गर्मी के अंदर। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके साथ शेयर करूंगा। उससे आप बेफिक्र होके अपने प्लांटों की परवाह किए बगैर अपनी छुट्टियां मनाने जा सकते हैं, क्योंकि जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा उस टिप से क्या होगा, आपके प्लांट जो है वो अपने आप खुद अपनी केयर करेंगे, यानी कि पानी अपने आप लेते रहेंगे और आपके प्लांट जो है वो मरेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन सब चीजों के लिए आपको कोई स्पेशल चीज लाने की जरूरत नहीं है, जो भी है घर से ही हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो आपको देता हूं मैं। दोस्तों इसके लिए जो धागा है वो आपको जो कॉटन का है वो लेना होगा, और उसको पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और अभी मैंने दोबारा से उसको ट्राई किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली मेरे घर पे जो कॉटन का कपड़ा है उसका धागा है, तो ये मैंने ले लिया है। इसका भी हमें क्या करना होगा, देखिये पहले धागे को है ना पानी के अंदर भिगो लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसका एक सिरा जो है वो पानी के अंदर डाल दीजिए, और जो दूसरा सिरा है देखिए इसका दूसरा सिरा जो है अंदर इस तरह से लगा देना होगा। इससे क्या पानी जो है आपका धीरे धीरे इसके थ्रू आता रहेगा, जब भी ड्राई सोइल होगा ऑटोमेटिक पानी इसके अंदर आता जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पानी है वो ऐसे ही टपकता रहेगा, एक एक टपका जो है पानी का इसमें आता रहेगा, इस तरह से एक एक ड्रॉप जो है इस कॉटन के कपड़े के थ्रू नीचे आती रहेगी। देखिए इस तरह से एक एक टपका जो है वो पानी का गिर रहा है। सबसे अच्छा मेथड ये मुझे लगा, ये काफ़ी टाइम के लिए जब हम बाहर जाते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप एक बड़े बर्तन को टब को पानी को भर सकते हैं और उसके अंदर इस तरह से काफ़ी धागे लगा सकते हैं उसके चारों तरफ, और चारों तरफ आप उसके प्लांट रख सकते हैं, तो सभी प्लांटों में धीरे धीरे जो वाटरिंग है वो ऑटोमेटिक होती रहेगी। और इसका जो दूसरा सिर है ये सिर मैंने आपको दिखाने के लिए टपका ऊपर रखा हुआ है, अदरवाइज आपको जो इसका जहाँ पे ड्रॉप गिर रही है ये हिस्सा आपको जहाँ पे इसके रूट्स है मेन रूट है वहाँ पे आप इसको रख दीजिए, ताकि एक एक टपका उनकी मेन रूट्स के अंदर जाती रहे, और आपका प्लांट जब तक आप आएंगे तब तक बिल्कुल एक्टिव रहेगा, बिल्कुल हरा भरा रहेगा, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गर्मी के कारण। तो दूसरा मेथड जो है वो बोतल वाला है, आप एक बोतल ले लीजिए और उस बोतल के यहाँ पे जो है आप होल कर लीजिए। तो होल करने के लिए अगर आप इसको किसी तीखी चीज से करेंगे, जैसे कि मैं इसे कैंची से करूंगा, तो उससे बेनिफिट ये है आप होल को ज्यादा बड़ा ना करें, क्योंकि होल को ज्यादा बड़ा करेंगे तो पानी जो है वो जल्दी निकल जाएगा। तो आपको होल सिर्फ एक या दो करने हैं, और वो भी इस तरह की चीज से, ताकि पानी कम यूज होगा धीरे धीरे होगा। तो मैं इसके अंदर इस तरह से दो होल मैंने कर लिए हैं। आपका पॉट अगर ड्राई होगा और उसके अंदर आप इस तरह से बोतल लगाएंगे तो क्या होगा, जल्दी पानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोयल आपका ड्राई है। सोयल में अगर आपने पहले से ही पानी दे रखे है तो आपका जो पानी है सिर्फ जब उसको जरूरत होगी तभी उतना ही पानी वो धीरे धीरे लेगा। चलिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपका जो पॉट है पॉट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, या फिर बोतल आप छोटी ले, अगर छोटा पॉट है तो इसके लिए आपको करना होगा यहाँ पे एक होल कर ले पॉट के अंदर थोड़ा सा, इतना भी ना करें कि आपकी जो प्लांट की रूट्स है वो सारी बाहर आ जाए, तो इतना होल कर ले कि कुछ हिस्सा जो इसका वो पॉट के अंदर चला जाए। ये देखिए इसमें से जो हल्का हल्का टपका गिर रहा है क्योंकि हम इसको दबा रहे हैं, मैंने अभी धक्का लगाया हुआ है, तो इसको इस तरह से हम इसमें रख देंगे और इसको मिट्टी से कवर कर देंगे, और अब इसको हटा देंगे ढक्कन को। ये देखिए इसका जो पानी है ढक्कन निकालने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है क्योंकि जो मिट्टी है वो आप देख सकते हैं गिल्ली मिट्टी है, मैंने आज ही शाम को ही इसमें वाटरिंग की है, तो इसलिए ये जल्दी खत्म नहीं होगा। एक मेथड आपको और बताता हूँ, आपके पास अगर ट्रे है, जैसे कि जो गमला रखने की जो ट्रे होती है उसके अंदर आप थोड़े से कंकर डाल दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, और उस कंकर के लेवल तक, यानी कंकर से ऊपर का लेवल, मतलब इसे कंकर जितने लेवल का पानी भर दीजिए, उसके ऊपर अपने छोटे पॉट्स है उनको रख दीजिए, तो उससे क्या उनकी जो वाष्प बनेगी वहां से उसका जो आसपास के एरिया वो ठंडा रहेगा, तो प्लांटों को गर्मी में राहत मिलेगी उससे। जो अगला टिप है वो सबसे जरूरी है, आप जिस दिन जाना हो आपको, जैसे कि कल आपको जाना है, तो आज रात को अपने सभी प्लांटों में अच्छे से वाटरिंग कीजिए। अच्छे से वाटरिंग करने का मतलब है प्लांट को जो टब होता है पानी का टब होता है उसके अंदर रख दीजिए, ताकि वो अच्छे से पानी को सोख ले, और फिर सभी प्लांटों को निकाल निकाल कर रख दीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए इस तरह से पानी का टब ले लीजिए और उसके अंदर जो आपके प्लांट्स हैं उनको रख दीजिए, तो उससे क्या होगा वो धीरे धीरे पानी को सोखेंगे और एक प्रॉपर जो वाटरिंग है वो आपके प्लांटों को हो जाएगी। आप छुट्टियों पे जाने से पहले की जो रात है उस रात ये काम कीजिए, और सभी प्लांटों के साथ आपको ऐसा करना है। अगर बड़े पॉट हैं तो उसको आप वैसे वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही वाटरिंग तब तक करनी है जब तक उसके जो ड्रेनिंग होल है उससे पानी बाहर ना जाए। तो देखिए इस तरह के पॉट्स को भी हम इस तरह से पानी में रख सकते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या है
पूरा जो वाटरिंग है प्रॉपर वाटरिंग इसके अंदर हो जाएगी। उस अगर आपके प्लांट जो है बाहर रखे हैं गमले, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, मल्चिंग करके जा सकते हैं प्लांटों को, यानी कि उसके अंदर जो कोकोपीट है उसकी एक परत जमा दीजिए ऊपर, या आपके पास जो स्पंग मॉस जो होती है वो है तो वो उसके अंदर बिछा दीजिए। उससे क्या है प्लांटों में नमी जो बनी रहेगी, सोइल तक डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा पाती, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें हमारे ममल बोनसाई जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और अपने प्लांटों की जो फोटोज है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।